नमस्कार, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। 8 दिनों से लापता स्कूली छात्रा का पता लगाने में असफल रही स्थानीय पुलिस प्रशासन। जी हां, बालाघाट जिले के लाल बर्रा अंतर्गत चंदपुरी की छात्रा 8 दिनों से लापता है। स्कूली छात्रा का पता लगाने में असफल रही है स्थानीय पुलिस। जी हां, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया लव जिहाद का मामला। बजरंग दल की चेतावनी, 12 घंटे में यदि पुलिस प्रशासन ने पता नहीं लगाया तो होगा उग्र आंदोलन। लाल बर्रा थाना के अंतर्गत चंद्रपुरी की एक स्कूली छात्रा 8 दिनों से लापता है, किंतु पुलिस प्रशासन उसे ढूंढने में अभी तक असफल रहा। माता पिता ने पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 12 घंटे का अल्टीमेटम देकर CSP बालाघाट के समक्ष धरना को विराम दिया और 12 घंटे समाप्त होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। मोटा मोटा यही जो इन्होंने कहा वही मोटा मोटा जी बेटा। की घटनाओं के तरह ही है और लवजिहाद की घटनाएं हमारे लाल बर्रा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। कुछ संज्ञान में आती है, कुछ संज्ञान में नहीं आती है। तो हम लोगों का यही है कि इन लोगों की लवजिहाद की जो घटनाएँ हैं इनके लिए आप लोगों को सख्त कदम प्रशासन को उठाना पड़ेगा और नहीं तो ऐसा हमेशा चलता है। ये केस में हम आपको 24 घंटे का समय देंगे कि 24 घंटे में आप हमें कोई भी जानकारी दें लड़की जिसकी कंडीशन है, अन्यथा भाई साहब अभी यहाँ बैठ रहे हैं, मजबूरी में आप बैठ सकते। मैं बताऊँ वोट तो नहीं। देखो, सबसे पहली बात तो अपना जो 8 दिन पहले प्रथम काम हुआ था उसमें जो 4 टीमें अपनी लगी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे एक सिंपल सा अपना सोचा, मतलब अगर बच्चा कोई जाता है पुलिस थाना वाला नहीं हो, ढूंढने के क्या तरीके हैं? सबसे पहला जो इन जनरल आता है कि मोबाइल को चला रहा हो पर वहाँ से ट्रेस करो, ठीक है। तो साइबर के लिए टीम वहाँ बैठी हुई है, तो साइबर का उसको कोशिश करेंगे मोबाइल पर चालू हो तो ट्रेस हो। आपका परिचय? मेरा नाम छत्रपाल पारदी है, मैं विश्वंदु परिषद प्रखंड मंत्री हूँ बजरंग दल से। और हमारे यहाँ पर ये जो घटनाएँ हैं कंटिन्यू होते जा रही है जिस पे प्रशासन कोई ऐसा खास कदम नहीं उठा रहा है। आप प्रशासन की भी लापरवाही बोलो या जो भी बोलो, अगर ऐसा ही अगर कंडीशन अगर रही तो बजरंग दल विश्वंदु परिषद को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। वर्तमान का क्या मामला है? वर्तमान का मामला चंदपुरी का है। यहाँ पे एक मुसलमान लड़का, यानी इनकी सोची समझी साजिश के तहत ये बस यही करते रहते हैं, लड़कियाँ पटाने का काम का हिंदू लड़कियों को, और लव जिहाद इनके इसमें जो चलता है उसी के माध्यम से ये लोग इस घटना को फिर से अंजाम दिया है। और ये 6वीं 7वीं घटना है हमारे लाल बर्रा की और ये कंटिन्यू होते जा रही है। इनको रोका जाना चाहिए प्रशासन की तरफ से, नहीं तो बजरंग दल विश्वंदु परिषद रोड पे आने के लिए मजबूर रहेगा। इस घटना के संबंध में पुलिस पे क्या आरोप है आपका? पुलिस अपना काम कर रही है, अभी हम पुलिस प्रशासन के साथ में हैं, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं चलती रही तो हमें मजबूरन कहना पड़ेगा कि ये लापरवाही हो रही है। 4 दिन हो चुका है ये घटना, लगभग 8 दिन से ज़्यादा समय की हो चुकी है। अभी जो थाना प्रभारी हैं क्या बोल रहे हैं आपको? थाना प्रभारी से भी हमने बात किया, उन्होंने ये बोला कि हम कंटिन्यू इसमें लगे हुए हैं, हम दिन में रात में पूरा काम आपका ही कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम लड़की और लड़के को लेकर आपके सामने लाएंगे। घेराव की स्थिति कैसे बनी आपकी? सुरेश सिरपुड़े जी, कहाँ से? चंदपुरी से। ये क्या घटना है? हमारी बेटी शनिवार 22 तारीख को स्कूल के लिए निकली थी घर से, उसके बाद वो वापसी भी नहीं आई और उसके खिलाफ हमसी की रिपोर्ट हमने थाने में दी। उस दिन से आज 29 तारीख तक हमें प्रशासन की तरफ से हमारी बेटी का ना तो वहीं पता चला और ना कुछ हुआ। कितने दिन पहले आपने पुलिस को जानकारी दी? दूसरे दिन 23 तारीख को हमने पुलिस थाने में आकर जानकारी दी। इस जानकारी के आधार पर हम जब यहाँ बार बार आके पूछते रहे तो हमने यही बोला कि हम छानबीन कर रहे, जाँच कर रहे हैं। मैं देवेंद्र यादव, CSP बालाघाट। क्या मामला? आज जो
चंद्रपुरी गांव की एक बालिका है जो कि जो है 8 दिन से गुम है, उसके संबंध में लेके उसके परिजनों और गांव में लोगों में आक्रोश था कि जो है जल्दी जल्दी उसको दस्तियाब किया जाए। उसको लेकर जो है गांव के लोग जो है थाने पर आए थे, इनको भी जो है समझाइश दी गई है कि भी तत्व पुलिस जो है लगातार टीमें बनाकर अलग अलग टीमें बनाकर लड़की के दस्तियाबी के प्रयास कर रही है, जिनमें कि वर्तमान में जो है 3 टीमें लगी हुई है जो कि जो है बालाघाट जिले में बालाघाट जिले से इधर लड़की की दस्तियाब हेतु प्रयास कर रही है लगातार। सर जैसे लोगों का आरोप है कि समय पर मामला दर्ज किया, नहीं उसमें प्रकरण जो है प्रथम दिन ही जो है जो 363 का प्रकरण था वो पंजीबद्ध किया गया था और पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और पुलिस जो है मुस्तैदी से कोशिश कर रही है कि जल्दी जल्दी लड़के दस्तियाब। आपकी नज़र में पूरा मामला अभी अभी फिलहाल तो जिसको लड़के दस्तियाब नहीं कहा नहीं जाता, हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि जो है जो 363 का प्रकरण हमने अपहरण का प्रकरण कायम किया गया था, लड़की दस्तियाब होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर क्या परिजनों को क्या अल्टीमेटम दिया गया आपके द्वारा? नहीं परिजनों को अल्टीमेटम नहीं, हम तो बस यही कि जो है हमारे द्वारा ना तो कोई अल्टीमेटम दिया गया, हम तो बिल्कुल प्रयास में कि लड़की जल्दी जल्दी दस्तियाब। सर उनके द्वारा आपको कुछ अल्टीमेटम? लांजी क्षेत्र के ग्राम टीमनी में महात्मा ज्योतिबा एवं महात्मा सावित्री बाई फूले की जयंती मनाई गई। बालाघाट लांजी क्षेत्र के ग्राम टीमनी में महात्मा ज्योतिबा एवं महात्मा सावित्री बाई फूले की जयंती मनाई गई, जहां लांची महात्मा ज्योतिबा एवं माता सावित्री बाई फूले की जयंती का कार्यक्रम लांची तहसील के ग्राम पंचायत टीमनी में रखा गया, जिसमें मुख्य ग्रामीणों द्वारा एक सभा मंच की मांग की गई, जिसमें परसवाड़ा विधायक ने कहा कि अभी विधानसभा सत्र चालू है, मैं ये प्रस्ताव विधानसभा सत्र में रखूँ।